में मेरे साथ क्या हुआ राजेश भाई बताएंगे, बताइए जी। भैया सलाम करो रोहित भैया को, मतलब इन्होंने एक आदमी की जान बचाई। जान ऐसे बची भाई कि कलबुर्गी में एक बंदा था जो कि पिया हुआ था, ठीक है, वो ट्रेन में चढ़ गया, गेट पे खड़ा था और भैया को जाने नहीं दे रहा था, तो भैया बोले चाचा उतरेंगे, तो बोला नहीं नशे में था, ठीक है। फिर जब अपन चढ़ गए वो पीछे में था, अब ट्रेन ने स्पीड पकड़ लिया तो फिर बोलता है मुझे उतरना है, और हम सभी को पता था कि कुछ हो सकता है क्योंकि नशे में था, ठीक है। तो वो जैसे तैसे उतर गया, लेकिन जो पकड़ने का होता है ना उसको पकड़ के भाई चलते रहा, अब वो गिर गया। अब वो पकड़ा था ट्रेन को तो ट्रेन ने अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। तो मैं उसको बचाने की कोशिश की, हाथ थोड़ा पकड़ा तो पीछे वाले ने आवाज़ दिया कि हट जाओ मैं बचाऊंगा। अब हालांकि रोहित भी है ना उसके हाथ को पकड़ लिया, ये कड़ा ऐसे पकड़ के मतलब कम से कम कह सकते हैं अपन 30 से 40 मीटर घसीटाया आराम से। और भैया के हाथ में हाथ दिखाओ, वो मैं लगा दूंगा वीडियो उसका उस समय का, ठीक है। तो वो उसका ये कड़ा पकड़ के ना खींचे उसको और चलो अपनी ट्रेन भी चालू हो गई। फिर मेरे पूरे हाथ में निशान बन गया था, उसके बाद मैं कांपने भी लगा था। तो वो फिर जो स्टेशन में पैसेंजर थे उन्होंने उसे खींच लिया तो उसकी जान बच गई। मेरे को तो लग रहा था कि पूरा अंदर जाएगा क्योंकि जो पूरा होता है ना आखिरी तक आ गया, ट्रेन उसको खींच ली थी अपने साइड, किस्मत था। और रोहित भैया भगवान का आशीर्वाद था कि उन्होंने बचा लिया। भगवान मेरे को मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ मेरे को माध्यम बना के भेजे, माध्यम बना दिया। रोहित भैया के हाथों से जान बचनी थी, फिर मतलब काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी, हम तो आगे निकल गए थे। उसलिए बोला जाता है कि अराइवल और डिपार्चर में ट्रेन से दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर दूरी नहीं रखेंगे तो ट्रेन अपनी तरफ आपको खींचती है।